नमस्कार, आज हमारे साथ सहारनपुर नगर सीट से भाजपा के घोषित प्रत्याशी राजीव गुम्बर जी हैं। आप पहले भी सहारनपुर नगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर से भाजपा ने आप पर अपना भरोसा जताया है। हम सीधे उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको जो भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और क्यों आपको वोट दिया जाए? सर्वप्रथम तो मैं अपने महानगर संगठन, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः तीसरी बार मुझे सहारनपुर नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है जी। निश्चित रूप से एक छोटा कार्यकाल 2014 में मैंने पूरा किया, उसमें मैंने जितनी भरकस मेरे से प्रयास हो पाया 2014-17 तक मैंने जनता की सेवा करने का काम करा, लेकिन 2017 में दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से गड़बड़ करवा कर मुझे हराने का काम किया था। परंतु मैंने लगातार पिछले 5 साल में जनता के बीच में उसके सुख दुख का सहभागी बनकर उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए संघर्ष करके और कोरोना जैसी बड़ी आपदा के अंदर सेवा का काम करने के जो काम किए हैं, उससे मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद मुझे पूर्ण रूप से मिलेगा। राजनीतिक रूप से मैं अपनी राजनीति को एक सामाजिक दायरे के रूप में ज्यादा मानता हूं और कोरोना जैसे संकट को एक सामाजिक संकट मानते हुए, एक देश में आपदा का संकट मानते हुए मैंने उसमें अपने घर से बाहर निकलकर लगातार सड़कों पर सहायता करने का काम, रसोई के माध्यम से दो दो रसोई चलाकर लोगों, गरीब लोगों को खाना उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाना और हॉस्पिटलों में जो दिक्कत हो रही उन सब समस्याओं को समाधान करवाने का काम किया। मुझे लगता है कि 2000 इस चुनाव के अंदर 22 के अंदर सहारनपुर में विकास के जो काम रह गए थे उन काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा।